तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। तो आप अभी हमारे सामने यहाँ पर देख रहे हैं कि महिंद्रा की बोलेरो मैक्स पिकअप लग गई है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये मैं बताऊँगा कि ये जो गाड़ी है महिंद्रा की बोलेरो पिकअप, ये कब से स्टार्ट हुई, इंडिया में कब से आना स्टार्ट हुई। तो 1993 में महिंद्रा की जो बोलेरो है उसकी लॉन्चिंग हुई थी इंडिया में, मतलब ये जो गाड़ी आया था इंडिया में 1993 में लॉन्च हुई थी महिंद्रा की बोलेरो। लेकिन बोलेरो को लोग मॉडिफाई करते करते अब इसको बोलेरो मैक्स पिकअप के रूप में मॉडिफाई कर दिए हैं, और ये जो मॉडल है वो 2023 की थर्ड जनरेशन की महिंद्रा बोलेरो मैक्स की ये मॉडल आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यहां से दिखा दूं, आगे पीछे मैं आपको यहां से दिखा दूं कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, वो आपको फुली सिंगल केबिन में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ कार्गो बॉडी भी हो और डबल केबिन में हो, तो आप महिंद्रा का कैम्फर जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं उस गाड़ी को भी चूज कर सकते हैं। उसका जो प्राइस है इस गाड़ी के प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूं कि ये जो आप महिंद्रा के सिटी 3000 VXI में ये देख रहे हैं, ये सेकंड टॉप मॉडल है। तो इस गाड़ी में आप देखें कि हमको ओवरऑल वारंटी कितना का मिलता है, तो आप इस गाड़ी में आपको एक साल का नहीं, तीन साल का वारंटी मिलता है, और 1,00,000 किलोमीटर रनिंग तक, मतलब ये जो गाड़ी है 1,00,000 किलोमीटर तक चल जाएगा और 3 साल का वारंटी आपको ये गाड़ी पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो सर्विसिंग कितना में कराते हैं। तो हर 20,000 किलोमीटर चलने के बाद ये गाड़ी का सर्विसिंग होता है। साथ मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी में 3 साल और 90,000 किलोमीटर तक का फ्री प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की भी फैसिलिटी जो कि आपको महिंद्रा कंपनी देती है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो गाड़ी आप यहां पे भी देख रहे हैं इसकी ओवरऑल लेंथ कितना है। तो मैं अगर इसकी लेंथ की बात करूं तो यहां से वहां तक 4.8 मीटर इसका टोटल लंबाई है, यानी कह सकते हैं 5 मीटर इस गाड़ी की टोटल लंबाई आपको देखने को मिलेगी। वही मैं बात कर लेता हूं इस गाड़ी की हाइट कितनी है, तो 1.8 मीटर की यहां पे आपको हाइट भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ चलिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के सबसे फ्रंट साइड से, और इस गाड़ी में आपको मैं एक और चीज बताऊंगा कि पावर स्टीयरिंग के साथ आता है ये गाड़ी। इंटीरियर में चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहां से अगर मैं इसके लाइटिंग के ऑप्शन की बात कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे कि हैलोजन में रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको इसके हेडलाइट मिलते हैं। इसके साथ साथ कॉर्नरिंग लाइट में आपको इंडिकेटर मिलता है, और यहां पे लाइट नहीं मिलता है। इसकी जो बीच की मॉडल है ना, इसके चलते ये लाइट नहीं मिलता है। अगर आप टॉप मॉडल यानी VXI को या ZXI को खरीदते हैं तो उसमें आपको कॉर्नरिंग लाइट भी मिलता है। इसके साथ साथ यहां पे आप देखेंगे तो मैट ब्लैक में थोड़ा सा सिल्वर का फिनिशिंग के साथ इसका काफी शानदार ग्रिल मिलता है जो कि रेडिएटर के बाहर में रहता है, और यहां पे पुराना महिंद्रा का ब्रांडिंग मिल जाएगा जो कि आप रेडिएटर आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे रेडिएटर आपको नीचे में देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको यहां पे दिखा दूं तो व्हीकल टो करने के लिए एक आपको यहां पे मिल जाएगा, जैसे सपोज आपका गाड़ी कहीं खराब हो गया आप यहां से टो करके आगे ले जा सकते हैं। स्कीड प्लेट की अगर मैं बात कर लूं तो स्कीड प्लेट आपको एक्स्ट्रा यहां पे नहीं मिलता है, यही बॉडी कलर में यही आपको स्कीड प्लेट के साथ देखने को मिलेगा। ये है इस गाड़ी की फ्रंट की सस्पेंशन चेचिस जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां से आ जाते हैं। इस गाड़ी का मैं टायर साइज की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे कि कंपनी आपको C8 का टायर प्रोवाइड करा देती है, जिसकी मैं बात कर लूं 195 R15, ये जो टायर है वो आपको 15 इंच का टायर आपको यहां पे मिलेगा। लेकिन इसका जो ट्रैवल है ना, काफी ज्यादा ट्रैवल है। आप गाड़ी खरीदने के बाद अगर चाहते हैं कि मैं कोई दूसरा सा टायर लगा दूं, 15 इंच का टायर, 16 इंच का टायर, तो वो भी आप यहां पे फिट करा सकते हैं। बहुत लोग पर्सनली मेरे से कमेंट में बोलते हैं कि अगर मैं बोलेरो मैक्स को खरीदता हूं और 1.7 का यहां पे टायर लगा दूं तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? तो जी हां, यहां पे सक्सेसफुल होगा। रिजिड लीफ स्प्रिंग का सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल जाता है। इसके साथ साथ साइड में देखें तो यहां पे आपको एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा, और एक यहां पे आपको काफी शानदार क्रोम की फिनिशिंग में रेड कलर के साथ बोलेरो मैक्स पिकअप का ब्रांडिंग मिल जाता है। साइड से देखें तो 2 इंचेस बाहर साइड से मिलते हैं, और ये जो आप ORVM देख रहे हैं वो आपको मैनुअल मिलेगा ब्लैक कलर के साथ। कहीं से भी कोई इसमें ऑटोमेटिक कहीं से कोई सीन नहीं है इस गाड़ी का। फ्रंट में अगर आप यहां पे आ जाइए तो काफी बड़ा विंडशील मिल जाता है, और 2 आपको वाइपर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको एक यहां पे वाइपर्स के पास यहां पे आपको वॉशर का मिलेगा जो कि यहां से आपका जो विंडशील है वो क्लीन करता है। 2 वाइपर मिलते हैं, और सर्टिफाइड 3 लोग यहां पे बैठ सकते हैं ड्राइवर के साथ, को ड्राइवर में 3 2 लोग और बैठ सकते हैं।
तीन लोग इस गाड़ी में आसानी से बैठ सकते हैं। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं आनंद मोटर्स डाल्टनगंज में शूट कर रहे हैं, और इसका जो ब्रांच है वो आपको डाल्टनगंज में गढ़वा लातेहार और चतरा में मिलेगा। तो आप झारखंड के किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं और आप ये गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर फ्लैश कर रहा है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे भी नंबर फ्लैश कर रहा है, आप वहाँ पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि पीछे की कार्गो बॉडी जो है उसका क्या स्पेस है, पेलोड कैपेसिटी कितना है, इस गाड़ी का टोटल वेट कितना है। तो सबसे पहले चलिए कार्गो बॉडी की मैं बात कर लूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस गाड़ी का ये जो टोटल आप लेंथ देखेंगे ना, इसकी जो लंबाई है वो 8 फीट 2 इंच की इसकी टोटल लंबाई देखने को मिलती है, और ये जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई आपको 5 फीट की इसकी टोटल चौड़ाई भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ मैं बात कर लूँ इसकी पेलोड कैपेसिटी की कि कितनी इसमें पेलोड कैपेसिटी है, अगर आप इसमें सामान को रखते हैं तो कितना केजी तक का सामान इसमें आप आसानी से रख सकते हैं। तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1300 केजी की पेलोड कैपेसिटी है। आप यहाँ पे 1300 केजी तक का सामान रख सकते हैं जैसा कि कंपनी बोलता है, लेकिन जो ऑनर है वो 1500 केजी तक का भी सामान आसानी से रख सकते हैं। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि ये जो गाड़ी ओवरऑल आप देख रहे गाड़ी इसकी ग्रॉस वेट कितनी है, इसकी टोटल वेट कितनी है। तो ये जो गाड़ी का टोटल वेट हो जाएगा सामान रखने के बाद 2800 केजी ये गाड़ी का टोटल वेट हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ इसके नीचे से, तो यहाँ पे जो आप टायर देख रहे हैं वो आपको 15 इंच का इसका टायर भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये जो सस्पेंशन देख रहे हैं वो आपको यहाँ पे कितने पट्टे का कमानी सस्पेंशन मिलता है, 3, 2, 5 कमानी पट्टे का यहाँ पे सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि सस्पेंशन जो है वो आपको ऊपर में देखने को मिलता है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सस्पेंशन जो है वो नीचे में है या फिर ऊपर में है, तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे सस्पेंशन आपको ऊपर में देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ कि इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी, यहाँ पे ये जो फ्यूल टैंक है इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ पे आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है। इसके साथ साथ ये जो आप चेचिस देख रहे हैं दूर से, आप ये जो चेचिस देखेंगे ये आपको फुली सिंगल चेचिस देखने को मिलेगा, यानी अगर आप वहां से देखेंगे कहीं से भी कोई ज्वाइंटिंग आपको इस चेचिस में नहीं देखने को मिलता है। बाकी एक अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी का इंजन क्या है। तो आप यहाँ पे इंजन देखेंगे कि 2.5 लीटर में डीजल इंजन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि 4 सिलेंडर के साथ आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम पावर की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी में 65 bhp का मैक्सिमम पावर मिल जाता है, जो कि 3200 rpm पे वर्क करता है। मैक्सिमम टॉर्क की मैं बात कर लूँ तो 195 न्यूटन मीटर की इस गाड़ी की मैक्सिमम टॉर्क है, जो कि 1400 से 2000 rpm के बीच में वर्क करती है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि एक अमेरॉन का बैटरी भी कंपनी यूज कर देता है, और ये जो साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको इसकी कोटिंग भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है यहाँ पे, जबकि इसमें नहीं है। बाकी आपको ये इंजन का सारा चीज आपको हमने बता दिया यहाँ से। मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी की जो टोटल लेंथ है, लेंथ की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 फीट की इसकी कार्गो बॉडी की टोटल लेंथ देखने को मिलती है, और टोटल ब्रेथ की मैं बात कर लूँ तो 5 फीट 5 इंच की टोटल ब्रेथ मिलेगी। रियर में 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं आपको, एक साइड में आपको स्पेयर व्हील भी देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे आनंद सेल्स एंड सर्विस, यहाँ पे आप कॉल करके गाड़ी के बारे में सारा डिटेल ले सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो इंटीरियर में चलने से पहले मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे गेट पास दिखा दूँ। तो नॉर्मल एक डोर हैंडल मिलता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके विंडोज़ को कंट्रोल करने के लिए, और एक लॉक अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे इस गाड़ी में, यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले सीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ड्राइवर के साथ दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं। अब मैं चलिए इसके डैशबोर्ड को आपको दिखाता हूँ। इससे पहले इसकी जो मीटर कंसोल है वो चीज़ मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको यहाँ पे इस गाड़ी में देखने को मिलता है, जैसा कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैचोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, सभी के सभी आपको यहाँ पे बिल्कुल डिजिटल में देखने को मिलेंगे। इंजन मालवेयर फंक्शंस, बैटरी के ऑप्शंस, बाकी आप देख सकते हैं इंजन की लाइट, हीटिंग लाइट, सभी कुछ डिजिटल में मिलेगा। और ये जो गाड़ी है ना बोलेरो मैक्स, इसमें एक फीचर्स क्या मिलेगा, आईमैक्स फीचर्स भी मिलता है। आईमैक्स फीचर्स में होता क्या है कि आप मोबाइल जीपीएस ट्रैकिंग कर सकते हैं, आपको यहाँ पर डीजल अलर्ट मिलता है, जियो फेंसिंग मिलता है, रूट प्लानिंग मिलता है, व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन इस गाड़ी में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं डैशबोर्ड की ही बात कर लूँ तो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं फिट एंड फिनिश बिल्कुल प्लास्टिक बॉडी में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ब्लैक कलर के साथ। यहाँ पे दूसरा बेस कलर टाइप में देखने को मिलेगा, और बिल्कुल थार के जैसा एक लॉकेबल ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पे देख रहे हैं, लॉकेबल ग्लोव बॉक्स देखने को मिलता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिलता है, कुछ
फोन रखने के लिए स्पेस मिलता है, हजार्ड लाइट के ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, बाकी सारा आप गाड़ी खरीदने के बाद इसमें पार्ट्स लगा सकते हैं। IRVM की मैं बात कर लूँ तो IRVM आप देख रहे हैं बिल्कुल आपको मैनुअल में IRVM देखने को मिलता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो सनवाइजर है वो आपको नॉर्मल सनवाइजर देखने को मिलता है, कहीं से भी कोई टिकट होल्डर और वैनिटी मिरर ये सब कुछ इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है और यहाँ पे आपको इसको लॉक करने के लिए मिलता है, एक लाइट आपको यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे देख रहे हैं विंडोज मिल जाता है जिससे आप अपनी कार्गो बॉडी को काफी आसानी से देख सकते हैं। ये चीज हो गई इसकी इंटीरियर के फीचर्स। बाकी यहाँ पे 5-speed टॉप गियर बॉक्स के साथ इसकी गियर की ऑप्शंस भी देखने को मिलती है। नीचे में साइड से मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे इसके की पॉइंट है और ये चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो हेडलाइट है उसको अपर नीचे ऊपर नीचे करने के लिए मिलता है, ABC स्केलेटर ब्रेक एंड क्लच, और यहाँ से आप इसके इंजन को भी उठा सकते हैं, ये चीज़ से इसके इंजन को आगे को उठा सकते हैं। हिंचेस जो देख रहे हैं वो बाहर साइड से दोनों हिंचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो गाड़ी है इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस क्या पड़ जाएगी यहाँ पे, तो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 195 mm के आसपास इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाती है। और टोटल मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी की ग्रॉस वेट की तो 2800 kg की इस गाड़ी की टोटल ग्रॉस वेट मिलेगी, और पेलोड कैपेसिटी की बात कर लूँ तो 1300 kg की पेलोड कैपेसिटी मिल जाती है। 3 साल 90,000 kilometer तक का फ्री प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की फैसिलिटी भी आपको इस गाड़ी में मिलेगी, और यहाँ पे 4 सिलेंडर के साथ इसकी इंजन भी देखने को मिल जाती है। अब बहुत लोग ये भी बोलते हैं डाला का बताइए, तो डाला का भी हमने सबसे बता दिया, लीफ स्प्रिंग का सस्पेंशन मिलता है, 15 inch का टायर मिलता है इस गाड़ी में। ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर लूँ तो इसके जो ऑन रोड प्राइस है वो 9,40,000 के आसपास आनंद मोटर्स डाल्टनगंज में इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है। आप बाकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहा है, आप वहां पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।